गुरुवार की रात करीब 11 बजे के दरमियान मामूली विवाद के चलते पाचमौली पुलिस थाना अंतर्गत एक युवक को गंभीर जख्मी करने का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मात्र 2 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुद्धनगर यूनिट नंबर 2 हनुमान मंदिर गली पाचमौली निवासी फिरियादी अपने भाई के साथ खड़ा था, जिस दौरान आरोपी धनु और फ्रुशन उके और रजत बोरकर फिरियादी के घर के सामने आकर चर्चा करने लगे, जिसके चलते फिरियादी ने उन्हें बाहर चर्चा करने के लिए मना किया। इस मामूली बात को लेकर आरोपी और फिरियादी में विवाद हुआ, जिसके बाद मुख्य आरोपी धनु और फ्रुशन उके ने घर से चाकू लाया और फिरियादी के मित्र शेखर मड़ावी पर जान से मारने के उद्देश्य से गंभीर जख्मी कर दिया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल मेढे ने अधिक जानकारी साझा की। यूनिट नंबर 2 हनुमान गली जवळ बुद्धनगर येथे यातील फिर्यादी जो आहे तो आपल्या भावासोबत घरासमोर थांबला होता। यातले जे आरोपी आहे 2, त्यात एक प्रमुख आरोपी आहे धन्नू उर्फ ऋषभ उके वय 24 वर्ष राहणार वैशाली नगर पाचपावली, आणि दुसरा आहे रजत बोरकर वय 25 वर्षे राहणार बुद्धनगर युनिट क्रमांक 2 हनुमान गल्ली यांचे। ते आरोपी फिरादीच्या घरासमोर थांबून चर्चा करत होते। फिरादीने त्यांना सांगितले की इथे उभं राहू नका, तुम्ही माझ्या घरासमोरून जा। या कारणावरून त्यांनी फिरादीशी आणि त्याच्या भावाशी भांडण केलं, आणि यातला जो आरोपी क्रमांक 1 आहे त्यांनी घरून चाकू आणून जखमी आहे याच्यामध्ये शेखर विनोद मळावी वय 21 वर्षे हा पण तिथे आरोपीच्या घराच्या बाजूलाच राहतो, त्याच्या पोटात चाकू मारला। आरोपीला लगेच मेयो हॉस्पिटल येथे ट्रीटमेंट करता नेलं होतं, आणि आम्हाला जशी माहिती मिळाली आम्ही तात्काळ अर्ध्या तासात दोन्ही आरोपींना अटक केलेली आहे। त्यांच्याविरुद्ध पोलीस स्टेशनला कलम 307(34)नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, आणि दोन्ही आरोपींना सदर गुन्ह्यात अटक करून आज माननीय न्यायालयात हजर करीत आहे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज नागपुर।